स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो एक नए गेस्ट के साथ। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं श्री संदीप बजाज जी, जो कि एक बहुत ही जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। आज हम संदीप जी से बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका नाम और न्यूमरोलॉजी के बीच में रिलेशनशिप। तो आइए चलिए बात करते हैं स्वयं संदीप जी के साथ। नमस्कार संदीप सर। नमस्कार तुषार भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ सर, आप बताइए आप आज कैसे हैं? सब बढ़िया डियर, सब गुरु जी का आशीर्वाद, अरविंद सूद सर का आशीर्वाद जी। तो आज हम अपने दर्शकों के लिए आपके साथ पहली बार हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं, और जी उनके लिए हम एक नए टाइप का क्वेश्चन जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है वो लेके आए हैं, जो कि है लोगों के नाम से रिलेटेड। जो उनके नेम की स्पेलिंग्स होती हैं वो उनके बारे में क्या दर्शाती हैं, वो कितनी ज्यादा पावरफुल हैं, वो उनकी लाइफ के बारे में कैसे क्या हमें बता सकती है। तो इस चीज के ऊपर आप हमें थोड़ा सा बताएं, समझाएं इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार भाई, आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया। आई एम थैंकफुल टू यू। पर्पस इज दैट कि लाइफ के अंदर हर चीज है हमारी डेट ऑफ बर्थ। जी डेट ऑफ बर्थ कभी भी दोस्तों चेंज नहीं होती। डेट ऑफ बर्थ जो है वो हमेशा यूनिक रहती है, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ हो। जैसे अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। जी उनके पिताजी ने उनका प्यार से नाम रखा था इनकलाब श्रीवास्तव, जो कि बाद में जब वो स्कूल में गए तो उन्होंने वहीं से उनका नाम चेंज कर दिया अमिताभ बच्चन। जिस समय अमिताभ बच्चन जी पैदा हुए तो उनके पिताजी ने उनका प्यार से नाम रखा इनकलाब श्रीवास्तव, और जो भी लाइफ थी वो चलती रही। जब उन्होंने उसके स्कूल के अंदर एडमिशन करवाना चाहा तो उन्होंने उनको एक नया नाम दिया अमिताभ बच्चन जी, क्योंकि उनको लगा कि जो इनकलाब श्रीवास्तव है वो अपने सर नेम को जो है वो उजागर नहीं करना चाहते थे। वो फर्क वाली बात थी सर। तो वहां से बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में चेंज होना स्टार्ट हुई। ऐसे ही राजीव हरिओम भाटिया लाइफ में बहुत मेहनती था, बहुत मेहनती था, मतलब चांदनी चौक से उनकी लाइफ स्टार्ट हुई और उनको सिंगापुर चाइना तक ले गई। बहुत बहुत मेहनत की बट उनको रिजल्ट नहीं मिला। तो जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए उन्होंने अपना नाम के बारे में थोड़ा बहुत चिंतन किया, अपने प्रोड्यूसर से बात करी। राजीव ठीक नहीं है, ऑलरेडी एक दो पहले भी लोग हो चुके हैं राजीव के नाम से, तो आपका आज से नया नाम है अक्षय कुमार जी। तो सारी स्टोरी चेंज हो गई। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। काजल की दो मूवी आई, दोनों मूवीज फ्लॉप हुई तो उन्होंने नया नाम रख दिया काजोल। देखो काजल वही, सिर्फ काजोल करने से उनकी लाइफ की सारी स्टोरी चेंज हो गई। बिल्कुल। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। तुषार भाई का अपना नाम है, संदीप बजाज का अपना नाम है, क्या वो नाम उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से स्पोर्टिव है कि नहीं है? अगर वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से स्पोर्टिव है तो सुपर स्ट्रांग है जी, और अगर नहीं है तो भाई साहब फिर लाइफ में धक्के 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 खाने पड़ेंगे। अमिताभ बच्चन जी को तो जानते ही हैं आप। बिल्कुल। कोई पंडित है वर्ल्ड का जो अमिताभ बच्चन जी के लिए पूजा ना करवाना चाहे? जी हर कोई करवाना चाहेगा, करवाना चाहेगा। लेकिन उनको भी समझ में आया कोरोना के टाइम पे कि मेरे बेटे के कहीं पे नेम के स्पेलिंग ठीक नहीं है। जब भी नेम के स्पेलिंग डियर 2-4-8 पे आते हैं तो वहां बेड़ा गर्क हो जाता है जी। और अभिषेक बच्चन के स्पेलिंग 49 के 4 पे आ रहे थे जी। तो उन्हें नया नाम दिया अभिषेक ए बच्चन। ये सीधा नेम के स्पेलिंग 50 के 5 पे चले गए, और वहीं से ही आप देखोगे 2020 के बाद से उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, एस्ट्रोलॉजी को नमन है, वो मदर ऑफ ऑल साइंसेस है, वो हर चीज में सपोर्ट करती है। लेकिन यहां पे क्या है कि आपकी नेम के स्पेलिंग जब तक स्क्रूटनाइज नहीं होंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो वो हर्डल्स 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 क्रिएट करते रहेंगे। हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे नासा हो गया, इसरो हो गया, या कोई सा भी प्रोडक्ट, जैसे अमूल इंडिया का कुछ और नाम है पर उन्होंने अपना नाम दे दिया प्रोडक्ट को अमूल, तो वो इतना सुपरस्टार बन गया। इंफोसिस कुछ भी नाम हो सकता था तो वो उन्होंने उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। टाटा कैपिटल सर्विस शॉर्ट फॉर्म में आया TCS, अपने आप 1 पे आ गया, सुपर स्ट्रॉन्ग हो गया जी। तो लाइफ के अंदर हर चीज की बहुत बड़ी महत्वता है उसके नाम के साथ।
अगर मैं आपको कहता हूँ प्रवीण भाई साहब मेरी बात सुनो, आप बोलोगे भाई साहब मैं तो प्रवीण हूं ही नहीं, जी बिल्कुल, तुम प्रवीण के नाम से बुला रहे हो, क्योंकि आपका नाम ही तुषार है। बिल्कुल, अब उस तुषार में डबल एस करना है, डबल एच करना है, डबल आर करना है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ और लोशो ग्रिड का मिश्रण करके ही स्पोर्ट दिया जाएगा। जी, थैंक्स टू गुरु अरविंद सूद सर, जिनकी फोटो पीछे आप देख रहे हो, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाया 2011-12 में, और उसके बाद मैंने इस पर प्रैक्टिस करनी शुरू करी। थैंक्स टू माई टीम राहुल भाई एंड हमारे बाकी जो बच्चे हैं सारे के सारे, पद्मा मैडम उसमें भी टॉप पे हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर मुझे लॉन्च किया मार्केट में, और इसके ऊपर जब हमने वर्किंग करी तो आज मुझे गर्व है कि मैं 1.25 लाख से ऊपर डेट ऑफ बर्थ के ऊपर एनालिसिस कर चुका हूँ एज लोशोग्रह। उसी का सारा आशीर्वाद है कि मैं आज आपके पास आया हूँ, आपने मुझे इतने प्यार से बुलाया और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, ये सारा का आशीर्वाद वही है जब से मैंने अपने नाम में डबल डी ऐड किया है, क्योंकि नॉर्मल नेम जो होता है उसमें सिंगल डी आता है, लेकिन डबल डी करने के बाद ही मुझे ये सारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। सो नेम के स्पेलिंग का प्रभाव बहुत बड़ा है, इसको इस छोटे से 5-10 के मिनट के इंटरव्यू में समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि ऋतिक रोशन ने भी अपने नेम के स्पेलिंग चेंज करे, दिलीप कुमार ने भी अपने नेम के स्पेलिंग चेंज करे, और जिन्होंने नहीं किए जैसे अभिषेक बच्चन की तरह, उन्हें लेट समझ में आ गया। अब देखो ना, आराध्या बच्चन ने भी चेंज करवा दिए पहले से ही, अमिताभ बच्चन जी की पोती, तो यही है राम से बड़ा राम का नाम, आपने एक नाम बड़े प्यार से रखा, पर क्या वो डेटा के हिसाब से स्पोर्टिव है कि नहीं है, फिर कौन से अल्फाबेट है, ये भी बहुत बड़ा रोल है कि भैया मेरे तो मन में आ रहा है मैं पी अल्फाबेट रख लूं, लेकिन ये देखा गया जिनके भी पी अल्फाबेट है उनकी लाइफ में पी अल्फाबेट ऐड होते ही स्ट्रगल बढ़ जाती है, पूनम, पूजा, परमेश्वर, ऐसे कितने ही नाम हैं जो पी के साथ जुड़े और उनकी लाइफ में स्ट्रगल भर भर के है। तो यहीं पे हमें सपोर्ट देना है कि आज जो बेबी पैदा हुआ, जैसे आज 26 तारीख है, अब इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, आज बेबी पैदा हुआ 26 अक्टूबर 2023, तो आज का एक मूलांक होता है, 26 को ऐड किया तो 8 आया, ये हमारा मूलांक हो गया, ठीक है, और 26 जमा 10 जमा 2023 को हमने ऐड अप किया तो ये भाग्यांक आया जो आज का 7 आ रहा है, आज का मूलांक 8 है, भाग्यांक 7 है, यही सारी जिंदगी आपको दुख तकलीफ परेशानी या अवार्ड रिवार्ड देने वाला है, यहीं से फैसला होगा कि आपके बच्चे को लॉयर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या उसको स्पोर्ट्स में भेजना है, यहीं से फैसला होता है। और अगर गलती से आपने आज के जन्मे हुए बच्चे के नेम के स्पेलिंग AIJQYBKR या पी अल्फाबेट पे रखवा दिए तो उसकी लाइफ में सारी जिंदगी हर्डल्स 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 ही आएंगे तुषार भाई जी। इसे कहते हैं बेबी आया है, बहुत बहुत बधाई हो, बट एक बारी कंसल्टेशन जरूर ले लो जी, बिल्कुल, भला हो, पेरेंट्स का भी भला हो और बच्चे का भी भला हो, बिल्कुल जी डियर। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि जो नाम है वो कितना पावरफुल है लोगों के लिए, और नाम से कितनी कुछ चीजें पता चल सकती हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, नाम के हिसाब से। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहें अपनी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, देखो डेट ऑफ बर्थ तो यूनिक होती है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है 12 साल तक हमारे पिछले जन्मों के कर्मा भी होते हैं, तो जो बच्चा आज पैदा हुआ है 12 साल से पहले हम उसको कोई भी नीम की रेमेडी के अलावा कोई दूसरा सपोर्ट नहीं देंगे, जैसे कोई भी कहते हैं सूर्य को जल चढ़ा दो, काउस की सेवा कर दो, चींटियों की सेवा कर दो, तो हम छोटे बच्चे को कोई रेमेडी नहीं देते जब तक वो 12 साल का नहीं हो जाता। बिल्कुल, दो चीजें हैं, एक उसके नीम के स्पेलिंग और दूसरा उसके पहने हुए कपड़े, अगर वो कपड़े ठीक नहीं है तो वो कलर रेमेडी के अंदर आते हैं, वो सारी जिंदगी दुख तकलीफ परेशानी के अंदर ही कटेगा जी। तो जितना जल्दी आप उन कपड़ों को बेस्ट करोगे, आज के बाद एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, कभी भी लिविंग ह्यूमन बीइंग जो है उसको ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनना चाहिए, काला और नीला किसी को नहीं पहनना चाहिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग को। बट अब हम देखते हैं शाहरुख खान, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, सब काले में बहुत बढ़िया लगते हैं, कपिल शर्मा के शो में आते हैं, सब बहुत सुंदर लगते हैं, तो हम भी प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि उस काले का काम ही यही है प्रभावित करना, आपके पास नेगेटिविटी को लेके आना।
तुषार भाई, हमारे पूर्वजों का सिद्धांत इतना सुपर स्ट्रांग था कि हमने डेड बॉडी के ऊपर भी काला कपड़ा नहीं पहनाया। जी बिल्कुल। तो काला और नीला कभी भी जीवित अवस्था में भी आपको नहीं पहनना चाहिए, पर चूंकि हम स्टेज शो पे जाके देखते हैं, क्योंकि उनको उसके पैसे मिले हैं, उनको वो पहन उसको शो दिखाना है, तो इसलिए वो ब्लैक पहन के आते हैं। उनके चक्कर में आप प्रभावित मत हो जाओ। जो भी बच्चा जिस भी तारीख को पैदा हुआ है उसके लिए कंसल्टेशन लें, उसके नेम के स्पेलिंग को ठीक करें, उसके साथ साथ उसके पहने हुए कपड़ों को दी बेस्ट करें, क्योंकि जब तक आप कपड़ों की थ्योरी को नहीं समझोगे तब तक रिजल्ट और बेकार हो जाएगा। क्योंकि हम जो कपड़ा आज पहनते हैं ये हमारी DNA के साथ 7 दिन तक अटैच रहता है, नेगेटिव वे में पॉजिटिव वे में। एक कमरे को हमने बंद कर दिया 6 महीने के लिए और उस कमरे के अंदर हमने किसी को नहीं जाने दिया, 6 महीने बाद हम कहते हैं XYZ उसमें जाए, भाई साहब उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर जाएगी जिसमें ना एक बल्ब जला ना एक दिया जला, सिर्फ कमरा बंद रहा 6 महीने के लिए, तो अपने आप हमारे को ऑफ आ जाएगा, उसकी नेगेटिव वाइब्स हमारे के ऊपर एकदम हावी हो जाएंगी। बिल्कुल। कहते हैं कि आप नेगेटिविटी को दूर भगाओ और पॉजिटिविटी को अपने साथ लेके आओ। तो उसके लिए सबसे बड़ी उपाय है अपने हाथ पे अपना एंजल नंबर लिखो। मैं भी आपके सामने अपना एंजल नंबर लिख के दिखाता हूं, आप सबको नोट करवाइएगा। और एंजल नंबर जो है वो हमारे ईयर ऑफ बर्थ से निकलता है। पहले कहे तो मैं आपको आपको निकाल के दिखाऊं? जी बिल्कुल, आप सभी दर्शकों को भी पता चलेगा। बिल्कुल। तो मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूं जी, इस पे दर्शकों को बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। देखिए यहाँ पे हमें पकड़ना होता है साल। तुषार भाई स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17th November 1971। इसको एड अप किया तो मेरा मूलांक आया 8 और इन सबको टोटल किया तो मेरा भाग्यांक आया 1। ठीक है डियर। अब इसमें जो है एक बहुत बड़ी आशीर्वाद होती है, इसको हम कहते हैं कुआ नंबर। ये निकलता है ईयर से जी। ठीक है, मेरे इसको टोटल किया तो टोटल आएगा 18 और 18 को हम सिंगल डिजिट पे लेके गए तो आया 9 जी। इसका फॉर्मूला है मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है जी। ठीक है, 11 माइनस रिमाइंडर इसका फॉर्मूला है और फीमेल के लिए है 4 प्लस रिमाइंडर जी। अब चूंकि 9 आया है तो 11 माइनस 9 इज इक्वल टू हुआ 2। बिल्कुल। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने ये ग्रीन मार्कर लिया और अपने हाथ पे अपने लेफ्ट हैंड की कलाई पे जहां पे मनी बंद की रेखाएं होती हैं उसके पास ये 2 नंबर अपना लिख के लगा दिया जी। मैं भी स्क्रीन करके बताता हूं। 1971 की अगर कोई फीमेल है तो उसका भी आएगा 9, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 4। इसको हमेशा सिंगल डिजिट लेंगे तुषार जी। जी बिल्कुल। मान लेते हैं 1990 का मेल है तो इसका टोटल आया 1, 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा जो एंजल नंबर है वो 1 हो जाएगा। और 1990 की अगर फीमेल है, ये फीमेल हो गया ये मेल हो गया, तो इसका भी टोटल आया 1 और फॉर्मूला है 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 जी। ऐसे हर मेल फीमेल को अपना निकालना आना चाहिए, जितना वो अपने हाथ पे अपने बच्चों के साथ अपना एंजल नंबर लिखेंगे ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। लिखना ग्रीन ही है और इसको रोज लिखना है, अगर मिट जाए तो फिर दोबारा लिखो, दिन में 3 बारी लिखो, 4 बारी लिखो, ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। हर एक को लिखना चाहिए, इसके अंदर नेगेटिविटी वाली बात नहीं है लेकिन पॉजिटिविटी भर भर के है। जितना आप इसे करोगे आपको समझ में आएगा ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हो सकती है। बहुत छोटा सा उपाय आपको दिया है, ये अपने हर दर्शक को फॉरवर्ड जब आप करेंगे वो इससे जुड़ेंगे तो समझ में आएगा ये कितना बड़ा ब्लेसिंग्स हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें लोगों को समझाई, उनको उनके नाम के बारे में और एंजल नंबर के बारे में समझाया और ये कैसे पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में ला सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे।
बहुत कुछ है तुषार भाई, अभी समझने के लिए, समझाने के लिए। फिर जब भी कभी आपने कहा कि मैं दोबारा अभी आऊं तो आपको और नंबरों के बारे में समझाऊंगा, 1 से लेके 9 नंबर क्या कहते हैं। और फिर हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में 81 कॉम्बिनेशन है, एस्ट्रोलॉजी में 2.25 लाख से ऊपर कॉम्बिनेशन है जिसको सीखने में कम से कम 3 जन्म लग जाते हैं। हमें परसों की तो बात याद नहीं रहती, 3 जन्मों का कहाँ याद रखेंगे। लेकिन न्यूमरोलॉजी बहुत आसान साइंस है और बहुत जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस है। तो जब भी आपने मुझे मौका दिया, मैं अगली बारी आके 9 नंबरों के बारे में बताऊंगा और साथ में बताऊंगा 81 कॉम्बिनेशंस क्या कहते हैं। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ आज के लिए तो दर्शकों के लिए इतना ही। हम आपसे फिर बहुत जल्दी जुड़ेंगे जिसमें हम आपसे बहुत सारी और ज्यादा बातें करेंगे और दर्शकों के लिए और ज्यादा ज्ञान हम उनको प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल, तो कभी बहुत बहुत लाइव धन्यवाद सर। मौका देना, मैं लाइव आना चाहूंगा, जी 15-20 मिनट बैठ के डिस्कशन करेंगे। और जो जी भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं, वो आए मुझसे आके लाइव में क्वेश्चन पूछे, किस दिन सैटरडे संडे का टाइम निकालेंगे। जी सर बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर टाइम निकालेंगे। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, ऑल द और बेस्ट हम मेरे भाई, आपसे ऑल द फिर, बेस्ट, जय थैंक गुरु यू जी, सर, जय 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 गुरु गुरु जी। जी। तो ये थी हमारी आज की चर्चा श्री संदीप बजाज जी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और इसी के साथ अगर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से एस्ट्रो पाठशाला का एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करें जिस पर हमारे 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ ही में हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एस्ट्रो पाठशाला का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।